इसके बारे में नरेंद्र मोदी जी कुछ नहीं कहते हैं। यह है देश की सच्चाई। और खुशी की बात है कि आज यहां स्टेज पे पूरे के पूरे विपक्षी दल एक साथ खड़े हुए हैं बैठे, और यह एक रिफ्लेक्शन है। विचारधारा एक है और हम एक साथ मिलकर, सब एक साथ मिलकर बीजेपी को हराने जा रहे हैं। मगर दुख की बात है, और जो दुख देश की जनता में है वो हम सबके दिल में है। जो दुख किसानों के दिल में है, युवाओं के दिल में है, हमारी माताओं बहनों के दिल में है, वो इन सब नेताओं के दिल में है, मगर नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी के नेताओं के दिल में नहीं है। यह फर्क है हम में और उनमें। और हम आपको यहां से वायदा देते हैं कि हम सब मिलकर एक साथ बीजेपी को हटाने का काम करेंगे। जो हमारे सीनियर नेता यहां आए हैं, आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। प्रेस के हमारे मित्रों, मैं जानता हूं आपको भी काफी कठिनाइयां होती हैं आजकल, आपको भी झिझक के लिखना पड़ता है, थोड़ा डर के लिखना पड़ता है, मगर ये जो यहां लोग खड़े हैं, यहां जो लोग बैठे हैं, ये आपको आश्वासन देते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। जो आप लिखना चाहते हो आप दिल से लिखो, जो आप कहना चाहते हो आप खुल के लिखो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, पूरा देश आपके साथ है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी का बहुत बहुत शुक्रिया, जिस प्रकार से उदार हृदय से उन्होंने देश की पीड़ा की अभिव्यक्ति की, वो अपने आप में अनूठी थी। और सब राजनीतिक दलों के साथ मिलकर चलने का जो संकल्प उन्होंने लिया, वो भी इस देश की पीड़ा के निदान में निर्णायक साबित होगा। अब मैं दरख्वास्त करूंगा, विपक्ष के नेता आदरणीय गुलाम नबी आजाद साहब से कि वो आए और सब पार्टियों और नेतागणों का धन्यवाद। माननीय कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी, हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री यहां मौजूद हैं, उन्होंने भाषण भी किया, शरद पवार जी, शरद यादव जी, और 16 राजनीतिक दलों के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, बंगाल तक नेता मौजूद। भाषण कांग्रेस अध्यक्ष जी ने किया, हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी ने हमारी पार्टी की तरफ से आज के इस कार्यक्रम के बारे में आपको बताया। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे दूसरे साथियों का भी, जो पिछले कई दिनों से इस कार्यक्रम में जुड़े थे, अशोक गहलोत जी, अहमद पटेल जी और बाकी हमारे पार्टियों के प्रतिनिधियों ने यहाँ भाषण किए, लेकिन 5-6 ऐसे दल हैं जो अपने अपने राज्यों में या यहाँ दिल्ली में भी उनकी अपनी पार्टियों के कार्यक्रम है और उसमें वो शामिल हुए, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखेंगे तो 21 राष्ट्रीय और रीजनल पार्टीज इस बंद में शामिल। हमारे और दूसरे बंदों में इतना फर्क, जब भारतीय जनता पार्टी बंद करती थी तो वो जबरदस्ती उनको बिठाया जाता, लेकिन आज का जो ये बंद है, हमारे 16 पार्टियों के 21 पार्टियों के लोग घर घर में गए और उनसे निवेदन किया कि उनके समर्थन के लिए, उनकी समस्याओं का हल करने के लिए वो आज सुबह 9 बजे से बंद रखे 3 बजे तक। हम यहाँ सिर्फ अभी 12:15 बजे तक यहाँ
सबसे पहले हम सब जमा हुए थे गांधी समाधि पर, राजघाट पर, और वहां सभी दलों के प्रतिनिधियों ने गांधी जी की समाधि पर फूल चढ़ाए और एक शुरुआत ऐसी जगह से की थी। गांधी जी ने इस देश को आजाद करने के लिए, लोकतंत्र करने के लिए जो लड़ाई लड़ी, आज वैसे ही लड़ाई हमने लड़ी, उस नई लड़ाई के लिए हम वहां से एक नई ऊर्जा लेके आए हैं कि इस देश की जनता को महंगाई से मुक्त करना है। जो पेट्रोल की महंगाई है, डीजल की महंगाई है, गैस की महंगाई है, आम खाने पीने की चीजों की महंगाई है, और वो तभी खत्म होगी जब इस महंगाई को बढ़ाने वाले भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन हार जाए, तो तभी ये भारत मुक्त हो जाएगा महंगाई से। इसलिए एक भारत महंगाई मुक्त करने के लिए हमें पहले भारतीय जनता पार्टी को पराजय देनी होगी, उन्हें हराना होगा। 12 बजे होगा प्रदर्शन, क्योंकि हमें दूसरी बंद आज 3 बजे तक है, लेकिन जितने भी यहाँ नेता हैं हमारी पार्टी मिलाकर हमें दूसरी जगहों पे जाना है। हर पार्टी के दल ने कोई न कोई फंक्शन यहाँ किया है दिल्ली के अंदर, तो हमें उनके साथ भी एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा बैठना है, उनके साथ भी शामिल होना है। इसीलिए इसी के साथ ये हमारा 16 पार्टियां जो यहाँ जमा हुई हैं उनका कार्यक्रम खत्म होता है, और यहाँ से हम अपने दूसरे साथियों के साथ वहाँ जाएंगे, 3 बजे तक उनके पास साथ बैठेंगे। अब मेरा अनुरोध होगा, एक दफा फिर सबका धन्यवाद करते हुए, सब खड़े अपनी अपनी जगह पे हुए और अपनी शक्ति, अपनी ताकत और अपनी एकता का यहाँ एक दिखाएं। बहुत बहुत जैसा आजाद साहब ने कहा, देश की जनता कह रही है महंगाई और भाजपा ही दुहाई है दुहाई, और महंगाई मुक्त भारत के लिए ये सब राजनीतिक दल इकट्ठे हैं, और इस देश की जनता की पीड़ा का जब तक निदान नहीं निकालेंगे, हम सब इस संघर्ष के संकल्प में 132 करोड़ लोगों के साथ इसी प्रकार से अधिक खड़े रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। पानी पिलाई थी ना भैया, एसपीजी 500,000 पता नहीं है, तो सब कुछ हो गया, पता नहीं बाकी स्टेट से तो नहीं है, 1100 हो गई मेरी 1100 फोटो खींच दी। जलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है, देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है, और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री देश की स्थिति को गंभीरता से ले और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बंद करो मतदान, मेरी गाड़ी हुई है सर। मुझे बताइए मैं एक पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए।